लुधियाना के बाबन ब्रॉडवे में पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री किमी वर्मा। महिला दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि हर दिवस महिला दिवस होता है और महिलाओं को 50% के करीब आरक्षण मिलना चाहिए और महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे भी तरक्की कर सके। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू सच अ गॉर्जियस दीवा, मिसेस किमी वर्मा। नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट हर। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। हाय शिप्रा, वेरी नाइस टू मीट यू एंड वेरी नाइस टू मीट ऑल द ऑडियंस। सेम हियर मैम, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू एंड सो आर यू। थैंक्स मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वी वांट योर इंट्रो इन योर वर्ड्स। माय इंट्रो, आई वुड से a woman who lives her heart. Like I really live my life the way I want to, and everybody should do that. And of course, you know, I've done Punjabi movies. I have a business in Los Angeles. That's where I live. So, and that's what I love to do. And I love to enjoy life. All of you should. Which is your birthplace? Jagraon. Jagraon, you are from Punjab. Mm-hmm. Puri theth Punjab. Puri theth Punjab. मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरे जिन्नी सोनी पंजाबी बोलनी बहुत औखी है। That's great, ma'am. Thank you. तो मैम, पंजाब में जब आपने अपना कितना टाइम पीरियड स्पेंड किया ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड टाइम? एक्चुअली पंजाब आई हैव बीन फ्रॉम लाइक लोअर के जी टू 10th स्टैंडर्ड ओनली टिल देन, एंड आफ्टर दैट असी बॉम्बे मूव हो गए थे। सो देन आई हैव बीन इन बॉम्बे, आई डिड माय कॉलेज इन बॉम्बे, आई डिड माय एमबीए इन बॉम्बे, देन आई मूव टू स्टेट्स। सो दैट्स व्हाट इट इज। एंड मैम, वी हर्ड यू वॉन्ट टाइटल ऑफ मिस बॉम्बे ऑल्सो। I did win the title of Miss Bombay, and okay. I did win the Miss Beautiful Hair in India. And well, thanks to my mom, मैं तो बाला नहीं कुछ नहीं किता. And then I recently won the title of Mrs. India USA. So okay, that was great. Really nice. Thank you. So ma'am, Punjab को अब जैसे you are saying that you are living in abroad. तो Punjab से अभी तक कैसा आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है? कितना Punjab को miss करते हैं? पंजाब मेरे हिसाब नाल, यू नो, पंजाब दिल च होना चाहिए। सो इट इज़ इन माई हार्ट, एंड मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि बहुत सारे पंजाबी हु लिव हेयर डोंट हैव पंजाब इन दर हार्ट, दे हैव समथिंग एल्स इन दर हार्ट। सो बींग अ पंजाबी, डजंट मैटर वेयर आई एम इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स यू नो आई एंजॉय लिविंग इन US, बट पंजाब इज इन माई हार्ट, एंड सरों का साग मक्की की रोटी इज माई फेवरेट फूड। सो दैट्स राइट। एंड वी सॉ योर सो मेनी मूवीज, व्हिच वाज योर फर्स्ट मूवी? My first movie, which happens to be my favorite movie, is Nasibo. Nasibo. We heard that your age was only 14 years old at that time. Yes, I was okay. Really young. I was in school at the time. Oh my God. You know, and another thing is that it's my, like, my childhood memory. And yes, that was my first ever interaction with camera, first ever interaction with... And how much nervous at that time you were? I didn't even know I was acting. I thought, okay. And I actually was giving my exams, 10th standard CBSE exams at the time. And that was the time we were shooting for the movie. For me, it was just an examination. Okay. And I was just like, you know, whatever. So I really didn't know what it entails. But I guess I apparently did very well in the movie. अब हम चाहेंगे मैम आप अपने आंसर हमें पंजाबी में दीजिए। चलो ठीक है, तुसी गल करो, असि तुहानू उस जवाब दे दांगे। आपने इतनी ब्यूटीफुल फिल्म्स में वर्कआउट किया है विद हरभजन मान, असानू मान वतना दा जी आया नू, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बाय वर्किंग विद सच अ लेजेंड ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री मिस्टर हरभजन मान? बहुत वधिया एक्सपीरियंस सी। तुसी पंजाबी च सवाल पुछना भुल गए मैम, जवाब मैं दे रही हूं इन्हां नूं कैसे जवाब दो। I am going to ask in Hindi and you will give answers in Punjabi. Chalo theek hai, as you wish. The Harbhajan Mann naal kaam karna, it has been a very good experience. Matlab I think we did 3 movies together. The assi kuch shows bhi kitte ne ikatthe, assi travel bhi kitta ikatthe. It's really nice. He's a very thorough gentleman and of course he's a bahut vadhiya singer ne ho, aur unna naal kaam karke acha lagda.
बहुत अच्छा लगा। एंड मैम, अब हम आपको काफ़ी टाइम से मूवीज़ में नहीं देख रहे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? एक्चुअली मैं ना रहनी बहुत दूर हाँ, मैं अमेरिका रहनी हाँ, तो इन इवन जदों शूटिंग हो रही थी जी आया उन्होंने, मैं स्टेट्स विच ही सी, मैं इंडिया च नहीं सी, बट हुण की हो गया ना, ट्रैवल करना औखा हो गया, हाँ बिजनेस है तो हुण बिजनेस बड़ा हो गया। बट यू आर डूइंग देयर? मेरा ना क्लोदिंग कंपनी हैगी है, आई मेक ड्रेसेस, आई डिज़ाइन ड्रेसेस, वी सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाट वी डू। एंड आपको देखने से लग रहा है कि व्हाट अ गॉर्जियस ड्रेसिंग सेंस यू आर कैरिंग। थैंक यू। और कुछ बताइए अपने बारे में, व्हाट आर योर हॉबीज एंड किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, या अभी भी स्टिल यू आर वांट टू डू एक्टिंग इन पंजाबी मूवीज आल्सो? आई थिंक एक्टिंग इन पंजाबी मूवीज इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मैं हमेशा ओपन हाँ। एंड हूँ मैं एक मूवी शूट की, अभी कैनेडा से अभी शूट की, इट्स गुलशन ग्रोवर होनी है मूवीज, तो उन्होंने मैं काम किया। एंड आई थिंक मूवी बहुत सारे हो ना अवार्ड फंक्शन वगैरह से गई हुई हैं, इट वन फ्यू अवार्ड, इट्स कॉल्ड परवाज द जर्नी, सो इट्स पंजाबी इंग्लिश मिक्स मूवी, तो मेरा ख्याल इट शुड बी रिलीज सून। एंड मूवीज़ लाइक आई एम ऑलवेज ओपन। एंड होर हॉबी मेरी, आई लव इंजॉइंग लाइफ, आई लव वर्किंग, मैं काम करना बहुत अच्छा लगता, लाइक मेरे ऑफिस जाना लाइक मैं बहुत चंगा लगता। एंड देन मेरी एक छोटी बेटी है, सो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद हर, सो दैट्स व्हाट इट इज। आप इतनी अच्छी पंजाबी बोल रहे हैं, तो अपने मतलब जब आप घर पे रहते हैं तो तब आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने किड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ? इंटरेस्टिंगली यू नो कहते हैं ना, अजकल सारी दुनिया यूनिवर्सल हो गई है, आप इको चीज़ यू नो गल करके गुजारा नहीं हो सकता। तो जो मैं घर हूँ मम्मी पापा मेरे ने है ना अमेरिका मेरे को रेंदे हैं, उन्होंने मैं पंजाबी बोलती हाँ, मेरे हसबेंड ने उन्होंने पंजाबी या हिंदी कुछ नहीं आता, वह ओनली इंग्लिश बोलते, उन्होंने मैं इंग्लिश बोलती हाँ, तो सायरा नाल मेरी डॉटर नाल मैं पंजाबी तो इंग्लिश बोलती हाँ, तो मेरे स्टाफ नाल मैं स्पैनिश बोलती हाँ। यू शुड टीच योर हसबेंड ऑल्सो यार, कहते हैं ना मतलब जो बंदा लाइक छोटे बच्चे नु सिखा सकते हो, बड़े ग्रोअर अप नु कुछ बंदे नु कुछ भी सिखाना इम्पॉसिबल है, बट यू कैन टीच योर डॉटर बिकॉज़ शी इज सो स्मॉल। आई थिंक मेरी बिल्कुल कोशिश है कि उनु पंजाबी आवे, और समझदी पूरी है, जवाब भी देती है, बट मैनु पता नहीं कितना कैरी ऑन करूंगी। आपको अच्छा लगता है पंजाबी में बात करना? मैनु बहुत चंगा लगता है। योर फर्स्ट लव? यस एब्सोल्युटली। तो मैम अभी आप जैसे लुधियाना आए हैं या बर्बन ब्रॉडवे में, बेसिकली आप कितने टाइम बाद इंडिया आए हैं और आपका मेन पर्पस क्या है इस बार यहाँ आने का? मैं एक्चुअली 2 साल बाद इंडिया आई हूँ, यूजुअली मैं 1 साल से 2 बारी आती थी, इस बार मैं 2 साल तो बाद आई हूँ। और मेरा मेन पर्पस है एक्चुअली मेरे फादर ने एक मूवी डायरेक्ट की थी है, लाइक ए शॉर्ट फिल्म, इट्स कॉल्ड आइलेट्स, ते ओ दे उन्होंने आइलेट्स यू नो लुधियाने से जिधर देखो आइलेट्स 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 आइलेट्स, मैं क्या लाइक ओ माय गॉड ये तो पूरा आइलेट्स बढ़ गया। सो लुधियानवीज आर वेरी फोन टू गो फ्लाई आउट ऑफ सिटी, ते एरिया ते उन्होंने ना शॉर्ट फिल्म बनाई है, ते ओ मूवी का प्रीमियर सेगा, सो आई एक्चुअली केम हियर टू सपोर्ट हिम। एंड किस टाइप की मूवी है प्लीज उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए? उन्हें शॉर्ट फिल्म है लाइक 20 वीक। व्हाट टाइप ऑफ मैसेज विल गेट फ्रॉम दैट मूवी? मैसेजेस, एक तो मैसेज डेफिनेटली हैगा मूवीज के ओल्डर जनरेशन शुड बी ओपन टू अंडरस्टैंडिंग द यंगर जनरेशन, बिकॉज जी यंग जनरेशन है उन्होंने भी ख्याल बहुत अच्छे होंगे ने, पर जोड़े माँ बाप ने उन्होंने लगता कि जी सानू ही सब कुछ पता, सो इट्स लाइक द मूवी इज लाइक अबाउट ब्रिजिंग दैट गैप, ते एंड जस्ट टेलिंग पीपल कि यू नो दोवें चीज़ा अच्छी ने, इतने रहना भी बहुत अच्छा और आइलेट्स करना, इंग्लिश बोलनी सीखना बहुत चंगी गल है, क्योंकि तुसी दुनिया च इंटरनेशनल स्टेज पर होना। डोंट फॉरगेट योर मदर टंग, वो तो है, डोंट फॉरगेट यार, सारा कुछ चेते कर सकते हो, इन्ना औखा नहीं होंगे, सारी भाषा सीख सकते। टुमारो इज वुमेन्स डे, तो वट वुड लाइक टू what message would you like to pass to your fans, your viewers? आपको क्या लगता है कि जैसे अब वुमेंस डे है तो अब तो बहुत फील्ड, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में वुमेन ने बहुत ग्रो अप किया, यू आर ऑल्सो इन प्रोफेशनल लाइन, तो इंडियंस की इंडियन वुमेंस को स्पेशली आप बाहर के तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि ऑल वुमेन आर वर्किंग, बट यहाँ इंडिया में स्टिल अभी कहीं ना कहीं वो बाउंडेशन हैं वुमेंस के ऊपर, उनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता, तो what message would you like to give? मेरे ख्याल नाल हर दिन शुड बी अ वुमेंस डे, हर रोज़ वुमेंस डे होना चाहिए, बिकॉज मैनू ये लगता है कि आई मेरी ना कंपनी हैगी है काफ़ी रब दी मेहर, बहुत वड्डी कंपनी है, तो मैं सिर्फ फीमेल स्टाफ हायर करती हूँ, लाइक
लाइक इट्स वेरी रेयर कि यू नो कोई लड़का मेरी कंपनी से काम करे एंड आई प्रेफर बिकॉज फीमेल्स बहुत सिंसियर होंगे ने एज कंपेयर टू बॉयज आई एम नॉट अगेंस्ट बॉयज बॉयज भी वो वधिया होते पर वो एवं फड़ा ज्यादा मारते हैं कुड़ियां वाकई कम बहुत करती हैं सो आई हैव टू से दैट तब तो हम चाहेंगे हमारा ये इंटरव्यू स्पेशली सारे बॉयज देखें नॉट ओनली वुमेन ओके कमिंग बैक टू द वुमेन्स डे आई फील दैट यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल्स तरक्की करें इन एनी केस एनी गुड सोसाइटी कैन बी अ गुड सोसाइटी इफ फीमेल्स आर एजुकेटेड क्योंकि जो फीमेल नू एजुकेशन मिलती है वो डेफिनेटली आपके बच्चे नू पढ़ाएगी शी विल नॉट लैट हर किड बी अनएजुकेटेड तो ये सारिया चीज़ा इस साइकिल जो आप प्रोग्रेसिव साइकिल बनाना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप जिहड़ियां औरतां ने उन्हां दा साथ दईए और जिन्ना क्राइम होंदा अगेंस्ट फीमेल्स आई रियली फील वो गलती हैगी है माँ बाप की उन्होंने मुंडे व्डे करने नहीं आते वो सारा जोर कुड़ियों से लाते बाहर नहीं जाना आ नहीं करना आ नहीं पाना आ नहीं करना आ नहीं सारा जोर ही उत्ते लाते हैं यही जोर बिल्कुल जोर नहीं लाते मुंडे को सिखाना कि बेटा इदा नहीं करना जब लड़की ना कह रही है तो मतलब ना है कुड़ी की रिस्पैक्ट करनी है द प्रॉब्लम इज विद द पेरेंट्स दे डोंट नो हाउ टू ब्रिंग अप द बॉयज सो दैट्स व्हाट आई फील दैट्स व्हाई ऑल दीज रेप्स हैपन दैट्स व्हाई ऑल दीज बैड थिंग्स हैपन दैट्स व्हाट आई फील मैम एक चीज़ बताइए जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है अब काफ़ी टाइम हो गया जैसे हमने आपको बताया हम नहीं दिख रहे काफ़ी टाइम से तो अब आपको कितना डिफरेंस फील होता है जब आपने वो मूवीज़ की थी और आज भी आप मूवीज़ देखते होंगे पंजाबी तो आपको कुछ डिफरेंस फील होता है कि कितनी ग्रो अप की है बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बहुत ग्रो अप की थी हमें एंड आई फील रियली गुड कि वी वर द पार्ट ऑफ द चेंज आई थिंक ये सारे चेंजेस आई हैं जिया नू तो बाद जिया नू वॉज द फर्स्ट मूवी जिन्हें टोटली यू नो बाउंड्रीज क्रॉस की तो बहुत ही अच्छी मूवी मेकिंग एवरीवन ऑलमोस्ट एप्रिशिएटेड योर रोल यू डिड सो वेल थैंक यू बहुत चंगा लगता देख के तो हूँ तो मूवी इंडस्ट्री बहुत बहुत अच्छी बन गई है बड़ी तरक्की से है बड़ी वधिया वधिया मूवीज़ बन रही ने और मूवीज़ च कॉन्टेंट भी हैगा वा इट्स नॉट जस्ट कुड़ी मुंडे दी उन्होंने एवं रोमांस जी कहानी इट्स नॉट दैट पर इट्स अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट बहुत बहुत अच्छा लगता देख के और डायरेक्टर्स बहुत अच्छे ने एक्टर्स बहुत अच्छे ने मेन एक्टर्स भी थे कैरेक्टर एक्टर्स भी बहुत बहुत वधिया काम हो रहा है मैम अभी जैसे आप अब्रॉड में रहते हैं वहाँ भी आपको लगता है कि पंजाबी मूवीज़ को बहुत अप्रिसिएशन मिलती है बिल्कुल जी मैं कहते रही ना पंजाब वाले दे मन च पंजाब नहीं इन्ना जिन्ना साढ़े सारे दे मन च एब्सोल्युटली बिल्कुल मिलती है मैम कैसे लगता है बीइंग एज मदर एक डॉटर है आपकी यू आर ब्लेस्ड विद डॉटर एंड टुमारो इज वुमेंस डे तो कि शेयर योर फीलिंग्स कैसे लगता है आफ्टर मतलब एक मदरहुड पीरियड को भी आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म को भी एंजॉय कर रहे हैं तो आप मैनेज कर लेते हैं दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एज आई सेड कि वुमेन आर मोस्ट सिंसियर औरतें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठिया मैनेज कर सकती हैं मे बी अ मैन कैन बट वुमेन कैन सो आई थिंक एब्सोल्युटली हर लेडी नू चांस होना चाहिए कि सब कुछ इंजॉय कर सके सब कुछ मैनेज कर सके एंड दे रियली कैन एंड दैट्स इट एंड आई एंजॉय एवरीथिंग आई एंजॉय मदरहुड बड़ा चंगा लगता है बेटी दे और मैं चाहनी कि मैं उस अच्छी वैल्यूज इंस्टिल करा कि किदा हमेशा अपने पैरों पर खड़े होना हमेशा इंडिपेंडेंट रहना कोई रोना नहीं वो रोंदी है ना मैंने कहने यार कुड़ियाँ रोंदियाँ नहीं गया आई टीच हर द रोंग उरे आई टीच हर द अदर वे अराउंड जिवें कहते ना मुंडिया को कहते वो मुंडे थोड़े रोंदे है आई चलो कुड़ियाँ थोड़ा रोंदियाँ ने एक दूजे दुख का जॉब है आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग वुमन I think like me. Ma'am, at last we want to say, please wish Happy Women's Day to all viewers, all your fans, everyone. सारे दर्शकों नू इस चैनल दे सारे नू मेरे वालों Happy Women's Day, सारियां औरतां नू और सारे males नू very okay. important. Do something special for the female in your life. Oh. It you will really be happier man if you really respect the woman you are with. Absolutely. Happy Women's Day. Thank you so much, ma'am, for giving us your precious time. तो आपने देखा ये थे हमारे साथ मिसेस किमी वर्मा बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत अच्छी बहुत ब्यूटीफुल मूवीज हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी हैं और तो होपफुली आप सबको बहुत मजा आया होगा उनसे बातें करके हमने भी उनके साथ बहुत वंडरफुल मोमेंट्स शेयर किए कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी